जहां पे कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा एंड एंट्रीज एंड अकाउंट। चलो लिखो बेटा, सम लिखो। अ फर्म परचेज्ड अ मशीन, अ फर्म परचेज्ड अ मशीन ऑफ रुपीज 97,000, ऑफ रुपीज 97,000 ऑन 1/4/15, ऑन 1/4/15 फुल स्टॉप। सर अब रिपीट करो ना। अ फर्म परचेज्ड अ मशीन ऑफ रुपीज 97,000 ऑन 1/4/15 एंड पेड रुपीज 3,000 फॉर इंस्टॉलेशन, एंड पेड रुपीज 3,000 फॉर इंस्टॉलेशन। फुल स्टॉप। फर्म कैलक्युलेट्स 10% डेप्रिसिएशन बाय 10% डेप्रिसिएशन बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फुल स्टॉप। राइट जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट फॉर थ्री इयर्स। चलो स्टूडेंट्स, ध्यान सब लोगों का बोर्ड पे बेटा। स्टूडेंट्स, कौन सी डेट पे मशीन परचेज हुई है? 1/4/15। देखो 97,000 की मशीन है बेटा और 3,000 उसका इंस्टॉलेशन है, तो टोटल मशीन की वैल्यू हो जाती है 1,00,000 रुपया। ठीक है बेटा। चलो पहला डेप्रिसिएशन कौन सी डेट पे आएगा बेटा? देखो कौन बताएगा मेरे को। सर मैं आई। यस जील, बोलो बेटा। 31/3/16 10% डेप्रिसिएशन, 1,00,000 का 10% मतलब 10,000। तो 1/4/16 इसके नेक्स्ट डे मशीन की वैल्यू बचेगी 90,000। चलो अब नेक्स्ट डेप्रिसिएशन कौन बताएगा बेटा, कौन सी डेट पे आएगा? नव्या। सर मैं आई। नव्या नव्या 31/3/17। अब बेटा 10% आरबीएम मेथड है। आरबीएम का मतलब होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जो बैलेंस हमारा 90,000 बचा उसके ऊपर 10% निकालेंगे, मतलब 9,000। तो 90,000 माइनस 9,000 बचेगा 81,000। ये बैलेंस बचेगा 1/4/2017 का। स्टूडेंट्स यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन बच्चों? नो सर। थोड़ा एडजस्ट करो, बोर्ड थोड़ा नहीं दिखता। अब देखो बेटा नव्या, ठीक है अभी? हाँ यस। ओके चलो अब नेक्स्ट डेप्रिसिएशन कौन सी डेट पे आएगा बेटा? बॉयज में से कोई बताए अभी? बॉयज में। यस आयुष, बोलो बेटा। सर 31/3/18 पे नेक्स्ट डेप्रिसिएशन आएगा 81,000 का 10%, क्योंकि आरबीएम मेथड है बेटा। तो 81,000 का 10% मतलब 8100। तो बाकी इसकी वैल्यू बचेगी 72,900। स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। ओके अब हम लोग इसकी जर्नल एंट्रीज लिखेंगे बेटा। चलो बेटा फर्स्ट एंट्री कौन ट्राई करेगा बेटा? सर मैं आई। जी के अलावा जिन्होंने बोल दिया उसके अलावा कोई भी ट्राई करे बेटा? हर्षनी बोलो बेटा फर्स्ट एंट्री। सर मशीन अकाउंट डेबिट 1,00,000। मशीन अकाउंट डेबिट 1,00,000। फिर टू बैंक
एंड टू कैश 3000 वेरी गुड बेटा। ये हमारी देखो, ये हमारा पहला साल है, ये हमारा दूसरा साल है और ये हमारा तीसरा साल है। तो पहले साल में मशीन परचेस करने की एंट्री हम लोगों ने कर दी। चलो नेक्स्ट एंट्री कौन ट्राई करेगा बेटा? जिन्होंने बोल दिया वो नहीं, उसके अलावा तो मैं आई। यस राहुल, नेक्स्ट एंट्री बेटा, डेट के साथ प्लीज। सर डेट सर 31/3/16। वेरी गुड, 31/3/16 एंट्री बोलो बेटा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। हम लोगों ने कितना डेप्रिसिएशन निकाला? 10,000। चलो थर्ड एंट्री बेटा कौन बताएगा मेरे को? थर्ड एंट्री कौन बताएगा बेटा? बाकी सब लोगों को बोलना है, खुद से आगे से बोलो बेटा कि सर मैं बोलूं, मैं को क्यों पूछने की जरूरत पड़े। कनिष्का ट्राई करो। चलो सर 1/4/16। 31/3/16 ही आएगी ना बेटा, डेप्रिसिएशन को क्लोज करने की एंट्री। क्या होती है डेप्रिसिएशन को क्लोज करने की एंट्री? सर पीएनएल अकाउंट टू डेप्रिसिएशन। यस, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन 10,000। स्टूडेंट्स आज एंट्रीज का लास्ट डे बेटा। स्टूडेंट्स एग्जाम में एंट्रीज नहीं पूछी जाती, सिर्फ अकाउंट पूछे जाते हैं। तो ट्यूसडे को जो हम लोग सम करेंगे ना बेटा, उसमें एंट्रीज नहीं करेंगे, उसमें डायरेक्ट अकाउंट। तो उसके लिए आपको पहले एंट्रीज परफेक्टली दिमाग में होनी चाहिए। एंट्री आप लोगों को दिमाग में बोलना है और डायरेक्ट उसका लेजर पोस्टिंग करना है अपन को बेटा। चलो ये हमारा पहला साल कंप्लीट हुआ। सेकेंड ईयर में पहली एंट्री क्या होगी? मिताली ट्राई करो बेटा। मिताली कैन यू हियर मी बेटा? चलो कुश, आपको आवाज आ रही है बेटा मेरी? कुश यस सर। कुश सेकेंड ईयर में कौन सी एंट्री आएगी बेटा? ये पहला साल था, पहले साल में मशीन बाय किया उसकी एंट्री और डेप्रिसिएशन की दोनों एंट्री आओगे। ये पहला साल कंप्लीट हुआ, सेकेंड ईयर में कौन सी एंट्री आएगी बेटा? कुछ सेकेंड ईयर में एंट्री कौन सी आएगी बेटा? मानुष आप ट्राई करो बेटा। मानुष सर। यस ओम बोलो बेटा। सर 1/4/16 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 9000 टू मशीन अकाउंट 9000। बेटा डेप्रिसिएशन के सामने देखो मैंने कौन सी डेट लिखी हुई है ओम? 31/3/17। 31/3 वो डेट आएगी। 31/3/17 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 9000। कोश कहा बेटा? कोश याना आइए। याना yes, sir. याना आइए। पार्थ नेक्स्ट एंट्री बेटा इसमें। सर मैं थोड़ा बाहर हूँ सर, इसलिए आई डोंट हैव बुक्स और समथिंग। अच्छा ठीक है। मिस्टी नेक्स्ट एंट्री बेटा इसकी। मिस्टी सर 1/4/17। हाँ एंट्री बोलो बेटा। सर सर मैं बता दूं? हाँ नव्या बोलो बेटा, डेट के साथ बोलना है नव्या। हाँ 31/3/17 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। बेटा वो तो लिख दिया मैंने ऑलरेडी, डेप्रिसिएशन टू मशीन तो लिख दिया बेटा। टू पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। बेटा तीन एंट्रियां अब तक मैंने सिखाई है, मैंने चौथी एंट्री तो सिखाई नहीं है बेटा कोई भी। अब अगर हम लोग तीन एंट्रीज भी याद ना रख सके ना बेटा तो हम लोगों को फिर क्या पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए बेटा, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप लोगों को तीन एंट्रियां अगर आप लोगों को याद नहीं रहती है बेटा तो आप लोग क्या याद रखोगे? फिर अपना नाम ही याद रखो बस बेटा। हम लोग उतने एजुकेटेड अच्छे हैं कि हम लोग अपना नाम ही याद रख सके।
शेम ऑन यू गाइस, अगर आप लोगों को तीन एंट्रियां याद नहीं होती हैं तो, तीन एंट्रियों से चौथी एंट्री मैंने अभी तक करा ही नहीं, अभी तो मैं सेल वाली एंट्री तो करा ही नहीं रहा हूं। मैं सेल वाली एंट्री कराऊंगा तो क्या करोगे तुम लोग, घूमते ही रहोगे क्या चैप्टर के अंदर? स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर मशीन परचेज की उसकी एंट्री, फिर डेप्रिसिएशन था उसकी दो एंट्री। सेकेंड ईयर में मशीन हम लोगों ने परचेज की नहीं है, इसीलिए पहली एंट्री निकल जाएगी, सिर्फ डेप्रिसिएशन की दो एंट्रियां, एक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की, दूसरा उसको क्लोज करने की। देव अब तीसरे साल पे आते हैं बेटा, तीसरे साल में मशीन परचेज करने की एंट्री आएगी क्या देव? नहीं सर। तो नेक्स्ट एंट्री कौन सी आएगी बेटा डेट के साथ? सर 31318। 31318 एंट्री बोलो बेटा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन 8100। बेटा थोड़ा पढ़ाई में भी ध्यान दो, काम पढ़ाई आने वाली है। राजवी? यस सर। राजवी नेक्स्ट एंट्री बेटा तीसरे साल की। सर 31318 पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये जितने भी बच्चे बेटा आंसर दे रहे हैं ना, इसका मतलब ये बच्चे या तो वीडियोस को अच्छे से देख रहे हैं या अच्छे से समझ रहे हैं, और जो आंसर नहीं दे पा रहे ना बेटा उसका दो मतलब है, या तो आप लोग वीडियोस को देख नहीं रहे हो या आप लोगों का पढ़ाई में ध्यान नहीं है। स्टूडेंट्स मेरा कोई पर्सनल नुकसान नहीं है बेटा, नुकसान आप लोगों का है, आगे जाके आपको पढ़ाई काम आने वाली है और कोई चीज काम नहीं आने वाली है बेटा। अगर तुम्हारे पास पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन हो तो मुझे भी बताना बेटा, तो मैं भी स्टार्ट कर सकूंगा प्लीज। स्टूडेंट्स अब हम लोग यहाँ पे मशीन अकाउंट बनाएंगे लेजर पोस्टिंग के साथ, डेट पर्टिक्यूलर रुपीज, डेट पर्टिक्यूलर रुपीज। स्टूडेंट्स अकाउंट ईयर टू ईयर बनता है, सबसे पहले 1415 पे मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश है। चलो कौन बताएगा बेटा इसका लेजर पोस्टिंग? सर मैं। यश बताएगा? सर मैं आई। यश 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 इसका लेजर पोस्टिंग बेटा? हाँ सर। सर डेबिट में टू बैंक टू कैश। वेरी गुड। 1415 टू बैंक 97,000 एंड टू कैश 3,000। राधिका ये राधिका? यस सर। राधिका इसकी इसका लेजर पोस्टिंग बताओ बेटा डेप्रिसिएशन टू मशीन का। सर क्रेडिट साइड आएगा। यस क्रेडिट साइड डेट में 31316 लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अमाउंट आएगा 10,000। ये हमारी फर्स्ट ईयर की तीन एंट्री है बेटा, पहली एंट्री का पोस्टिंग हो गया, सेकंड एंट्री का पोस्टिंग हो गया, तीसरी एंट्री में मशीन नहीं है बेटा, तो बस अब इसका टोटल कर देंगे। यहाँ पे आएगा 1,00,000, यहाँ पे आएगा 1,00,000, 10,000 क्या बाकी बचेगा 90,000। यहाँ लिखेंगे 31316 बाय बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड। अब यहाँ पे 1/4/2016 पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000। याना कैन यू हियर मी? याना 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 इसका लेजर पोस्टिंग बताओ बेटा। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, अब सेकंड ईयर में दो एंट्रियां हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, प्लीज मुझे उसका लेजर पोस्टिंग बताइए ना बेटा, डेप्रिसिएशन टू मशीन का लेजर पोस्टिंग कैसे होगा? राहुल आप बताओ बेटा। राहुल राहुल सर मैं। हाँ राहुल आप बोलो बेटा। सर मतलब मशीन का ही अकाउंट कंटिन्यू होगा ना सेकंड ईयर? मशीन अकाउंट ही बनाना है बेटा अपन को पहले, फिर डेप्रिसिएशन बनाएंगे।
यस सर, तो मशीन टू डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में आएगा सर, बाय डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में 31,317 यस सर लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अमाउंट आएगा 9,000। अब सेकंड ईयर में ये पहली एंट्री का पोस्टिंग हो गया, सेकंड एंट्री में मशीन नहीं है, टोटल कर देंगे इसका 90,000 क्या बाकी बचेगा 81,000 by balance credit forward 31,317 यहाँ पे आएगा 1,417 to balance brought down 81,000 Zeal third year का बताओ बेटा लेजे posting Zeal yes sir sir credit side पे 31,318 by depreciation account 8,100 By depreciation 8,100 अब इस एंट्री में तो मशीन अकाउंट है नहीं बेटा, अब इसका टोटल कर देंगे 81,000 में से 8,100 माइनस करो बेटा 72,900 अब ये यहाँ पे बैलेंस लिखेंगे 1,418 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 72,900 मैंने आप लोगों को बताया बेटा कि ये बैलेंस और ये बैलेंस ये दोनों हमारा मैच होना चाहिए बेटा, अगर ये दोनों बैलेंस हमारा मैच हो रहा है इसका मतलब हमारा सम करेक्ट है, अगर ये दोनों बैलेंस मैच नहीं हो रहा है मतलब हम लोगों ने सम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है। क्लियर स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स क्लियर, चलो कंप्लीट कर दो बेटा फटाफट इसको सर, पिक भेजो सर, फोटो भेजो, भेजता हूँ भेजता हूँ सर, मेरा डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हो गया। बेटा राहुल शुक्ला आया, राहुल शुक्ला सर, डन
बेटा कंप्लीट हो जाए तो बता देना, मैं फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट सिखा दूं बेटा। डन सर। डन सर। बाकी सबका स्टूडेंट्स डन सर। किसका बाकी है बेटा प्लीज बता दीजिए ना, किसका बाकी है बेटा? स्टूडेंट जिसका बाकी है बेटा बता दो तो मैं डेफिनेशन अकाउंट सिखाऊं। ग्रेट, सबका कंप्लीट हो गया है बेटा। चलो स्टूडेंट्स अब हम लोग बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेट पर्टिक्यूलर रुपीज, डेट पर्टिक्यूलर रुपीज। चलो पहली एंट्री में तो डेप्रिसिएशन नहीं है बेटा। अब सेकेंड एंट्री में 31/3/16 पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ये हमारा डेबिट साइड होता है तो डेबिट पे लिखेंगे 31/3/16 लिखेंगे क्या टू मशीन 10,000। फिर नेक्स्ट एंट्री में पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, टू मतलब क्रेडिट में 31/3/16 बाय पीएनएल 10,000। ये आपका दोनों तरफ डेप्रिसिएशन हो गया टैली, आपका फर्स्ट ईयर हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद 31 नेक्स्ट ईयर आ जाते हैं, ये पहला साल कंप्लीट, नेक्स्ट ईयर 31/3/17 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, तो डेबिट में लिखेंगे टू मशीन अमाउंट 9,000। फिर पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, तो क्रेडिट में 31/3/17 बाय पीएनएल 9,000, और ये दोनों तरफ हो गया हमारा टैली। अब आते हैं नेक्स्ट पे 31/3/18 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, तो डेप्रिसिएशन में लिखेंगे 31/3/18 टू मशीन 8,100 एंड पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, तो 31/3/18 बाय पीएनएल 8,100। ये हमारा दोनों तरफ टैली। स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया हुआ बेटा कि डेप्रिसिएशन अकाउंट हमेशा हमारा डेली आना चाहिए। कंप्लीट करो स्टूडेंट्स, परसों जिनको भी बेटा एंट्री प्रिपेयर नहीं होगी ना, मैं परसों एंट्री वाला लास्ट सम कराऊंगा बेटा। जिसको भी एंट्री प्रिपेयर नहीं होगी, मैं उसके बाद का एक भी लेक्चर डेप्रिसिएशन का आपको अटेंड नहीं करने दूंगा। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, और नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं किसी का भी प्रॉब्लम नहीं सुनूंगा। अगर आपको माइक का प्रॉब्लम है तो आप लोगों को चैट बॉक्स में आंसर देना है, जो आंसर नहीं देगा बेटा उसको मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। मार्क माय वर्ड्स, डेप्रिसिएशन कंप्लीट करो। चलो सर। यस सर, वो अगले लेक्चर में मतलब आप डायरेक्ट मशीन अकाउंट और वो डेप्रिसिएशन अकाउंट अभी ट्यूसडे के लेक्चर में अभी मैं एंट्रीज कराऊंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों को एंट्री ही प्रिपेयर नहीं है। बिना एंट्री के डायरेक्ट सम कराऊंगा तो सबके ऊपर से चला जाएगा। ये बहुत सारे बच्चे क्या बेटा हमारे इतने बिजी है ना कि उन लोगों को एंट्रियां प्रिपेयर करने का टाइम ही नहीं मिलता, घर पे वीडियोज भी नहीं देखे होंगे उन्होंने। ओके बेटा, उनकी क्या नरेंद्र मोदी के साथ कंटिन्यूस मीटिंग चलती रहती है ना, तो इसीलिए उन लोगों के पास टाइम नहीं होता है एंट्रियां पढ़ने का। भाई थोड़ा टाइम निकाल लेना, अभी नरेंद्र मोदी जी वैसे भी यहाँ पे गुजरात में आए हुए हैं तो भी आप लोग फ्री होंगे, तो टाइम निकल जाए ना बेटा, तो एंट्रियां प्रिपेयर कर लेना आज और पुराने सारे वीडियो देख लेना, नहीं तो ये 8 मार्क्स गए तुम्हारे इस चैप्टर के। सम कंप्लीट हो गया सबका? यस यस सर। जिनका जिनका कंप्लीट हो गया बेटा एक एक करके मीटिंग लीव करेंगे। बाय सर। बाय बाय सर।
यस देव बोलो बेटा सर मेरी एग्जाम में वो चैप्टर 5 है पार्ट सर चैप्टर 5 फाइनल अकाउंट्स यस सर देव वहां तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा बेटा क्योंकि डेप्रिसिएशन कंप्लीट होकर फ्री में फाइनल अकाउंट्स कराऊंगा और मेन प्रॉब्लम क्या है देव फाइनल अकाउंट्स के लिए ना मुझे एक प्रॉपर टाइम चाहिए बेटा क्यों क्योंकि वो चैप्टर आगे 12th में भी आता है 12th में 22 मार्क का वो चैप्टर आता है बेटा तो अगर अभी मैं उसका बेस अच्छे से क्लियर नहीं करूंगा ना बेटा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा समझ रहे हो देव मेरी बात को बेटा यस सर तो वो अभी आपकी स्कूल की मेरी बात सुनो बेटा अभी आपकी स्कूल की एग्जाम के लिए आपको जो डाउट हो ना आप मेरे को कॉल करके पूछ लेना बेटा बाकी डेप्रिसिएशन कंप्लीट होने के बाद मैं रेक्टिफिकेशन कराऊंगा और रेक्टिफिकेशन के बाद अपन फाइनल अकाउंट्स करेंगे मतलब मे बी अप्रोक्सीमेटली 10th February के आसपास बेटा ओके सर एक महीना लेगा बेटा वो चैप्टर देव पूरा एक महीना एग्जैक्ट एक महीना वो चैप्टर ले लेगा बेटा अपना सर उसमें जो थियोरी है वो कैसे करनी है वो है उसमें थियोरी है ही नहीं बेटा प्रैक्टिकल सम ही आता है उसमें थियोरी है ही नहीं उसमें कुछ है ओ कुछ डिफरेंस का एक दिया था टेबल उसमें सब है टेक्स्ट बुक में दिया है कुछ काम का नहीं है बेटा उसमें सम ही आता है थियोरी उसमें से आती नहीं है कभी भी बेटा पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है 11 मार्क का सम आएगा बेटा उसका एनुअल एग्जाम में और 22 मार्क का 12th स्टैंडर्ड में इसीलिए क्या बेटा मैं जब भी फाइनल अकाउंट्स कराता हूँ ना तो एकदम आराम से भाई एक डेढ़ महीना मेरे को कोई डिस्टर्बेंस चाहिए ही नहीं मैं एक डेढ़ महीना पूरा उस चैप्टर को चलाऊंगा बेटा ताकि आप लोगों को 12th में दिक्कत ना हो ठीक है देव यस सर ओके बेटा बाय 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 सर